भारत आज संपूर्ण विश्व में प्रयत्नशीलता, प्रगतिशीलता और विकास के एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है। विगत कुछ वर्षों में हमने न जाने कितने प्रकार के प्रशंसनीय कार्य किए हैं और कितनी ही समस्याओं का हल ढूंढ निकाला है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी भारत अब काफी आगे बढ़ चुका है। कर्क रोग के इलाज से लेकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट सब कुछ भारत में उपलब्ध है। परंतु क्षय रोग यानी टीबी एक ऐसा रोग है जिसके विषय में आज भी भारत में लोग जागरूक नहीं हैं, जिसके कारण इसका उपचार उपलब्ध होने के बाद भी प्रयोग में नहीं आ पाता। प्रतिवर्ष ये बीमारी न जाने कितने लोगों की मृत्यु का कारण बनती है। विश्व भर में टीबी के मामलों में भारत की भागीदारी सर्वाधिक 27% होना भारत में टीबी को लेकर जनचेतना कम होने का प्रमाण है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जिससे अत्यधिक लोग डरते हैं, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हवा के माध्यम से फैलती है। लक्षण के तौर पर सबसे पहले कि इवनिंग फीवर होना, स्वेटिंग होना, लॉस ऑफ एपेटाइट है, लॉस ऑफ वेट है, अगर 15 दिन से ज़्यादा खांसी आ रही है और फीवर है तो उसकी जांच कराना जरूरी है। टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है, पर इसकी दवाओं का कोर्स पूरा ना होने के कारण भारत में हर 3 मिनट में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। फेफड़े के अलावा भी शरीर के अन्य अंगों में क्षय रोग होता है, जो कि उतना घातक नहीं होता। देश भर में क्षय रोग के खिलाफ एक जंग छिड़ी है, जिसमें नाना प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, जिनका उद्देश्य है जड़ से टीबी को समाप्त कर देना। ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड विगत कई वर्षों से सामाजिक समस्याओं के विरुद्ध कार्य कर रहा है। टीबी के लिए ममता इंस्टीट्यूट ने अक्षय परियोजना का गठन किया, जो कि भारत सरकार की RNTCP योजना का सहयोग करती है, जिससे इस योजना की पहुंच, प्रभावशीलता और दृश्यता बढ़े और साथ ही टीबी को लेकर लोगों में जागरूकता भी। देश के 5 राज्यों में ममता इंस्टीट्यूट ये योजना चला रहा है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में भी ये योजना सक्रिय है। ममता इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि जनता और सरकार के मध्य एक कड़ी का काम कर रहे हैं। जैसा कि डाटा हमें ज्ञात है कि पूरे भारत में 28 लाख के करीब लोग ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित हैं और मेरे अंबेडकर नगर में अभी 78 per lakh का डाटा है, पर लैक पर 78% टीबी की है और हम लोग इसको और कम करना चाहते हैं। उसके लिए तमाम कार्य कर रहे हैं, जैसे कि प्राइवेट डॉक्टर्स को संपर्क करके और जो अनऑफिशियल रूप से जो क्वैक्स हैं उनको भी मोटिवेट करके, एजुकेट करके कि उनके पास जो भी इन टीबी के लक्षण के साथ पेशेंट आए उनको हमारे जो STS हैं, STLS हैं और PSC हैं, आशा हैं, ANM हैं, उनको बताएं और वो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट सेंटर तक लाएं, उस मरीज़ को DMC तक लाएं, उसकी जांच हो, जांच के बाद उसको पूरी तरह से उसको ट्रीटमेंट पूरा कोर्स दिया जाए जिससे वो रोग मुक्त, टीबी मुक्त हो जाए। अक्षय परियोजना से जुड़े स्वयंसेवक घर घर जाकर टीबी के विषय में लोगों को सूचित एवं जागरूक करते हैं और टीबी के लक्षण समझाते हैं। किसी व्यक्ति की समस्या अगर लक्षणों से मेल खाती है तो अक्षय मित्र उसको अस्पताल में जांच के लिए भेजते हैं, या फिर अगर मरीज स्वयं जाने में असमर्थ हो तो बलगम का सैंपल लेकर उसे जिला अस्पताल में जाँच के लिए भेजा जाता है। एक एक घर में 5 से 7 मिनट का समय देते हैं और समय देने के बाद जो भी रोगी निकल करके आता है उनको हम सबसे पहले रेफरल स्लिप देते हैं। अगर रोगी किसी भी प्रकार की असमर्थता व्यक्त करता है तो हम फिर उसका इस बलगम जो है वह संग्रह करके 2 वक्त का, सुबह का और 9 बजे का, हम DMC तक पहुंचाते हैं। फिर इसके बाद जो भी रिपोर्ट होता है हम उसको प्रधान जी के द्वारा या खुद, अगर उसका मोबाइल नंबर है तो हम उस पर उसको सूचना देते हैं। कम्युनिटी वॉलंटियर यानी अक्षय मित्र
इसके अलावा जिला अस्पताल के ओपीडी में भी उपलब्ध रहते हैं। ओपीडी में आने वाले मरीजों से अक्षय मित्र बात करते हैं, उनसे उनकी समस्या के बारे में पूछते हैं और उनके लक्षणों के आधार पर उन्हें टीबी की जांच के लिए ले जाते हैं, जिससे कि मरीजों को सहजता होती है। कार्यकर्ता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगाया गया है, उसके आने से कार्यक्रम में सुचारू रूप से सैंपल कलेक्शन, पेशेंट का वेट, पेशेंट के जांच में आसानी और हमें मदद मिलती है, जिससे मरीजों की संख्या में 10-15% की बढ़ोतरी हुई है और पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ा है। टीबी के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु अक्षय परियोजना के अंतर्गत जन चेतना रथ भी चलाए जाते हैं। तो आपन हाथे सही, ना अगर कोनो साफ कपड़ा बांटे तो आपन हाथे सही हमारे समान अपने मुँह एक लगे लगाए ली। हमारे गांव रामपुर में एक गाड़ी आई थी जो टीबी रोग के विषय में प्रचार कर रही थी, और कैंप भी हमारे गांव रामपुर में लगी थी, जो हमारे गांव के एक पड़ोसी हैं श्री रामपाल जी, उनकी जांच हुई तो टीबी की बीमारी निकली। उस इस कैंप के जरिए उनकी इलाज हुई टांडा से, आज के दिन वो बुरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। ग्राम कल्याण समिति के अंतर्गत लोगों को टीबी से जुड़ी जानकारियों का बोध कराने के लिए समय समय पर निवासियों के साथ बैठकें होती हैं। इनमें प्रतिनिधि विभिन्न माध्यमों से टीबी के बारे में निवासियों को जानकारी देते हैं। ग्राम कल्याण समिति के अंतर्गत समुदाय आधारित निगरानी होती है, जहां सम्मिलित सदस्य साथ बैठकर विभिन्न बिंदुओं पर विमर्श करते हैं। हम लोग अक्षय परियोजना के तहत चयनित ग्राम पंचायतों में ग्राम स्तरीय समुदाय निगरानी व्यवस्था के तहत सामुदायिक निगरानी तंत्र विकसित किए हैं, जिसके तहत जो गांव में ग्राम स्वास्थ्य सेवा प्रदाता हैं उनके पास जो भी 2 सप्ताह या 2 सप्ताह से अधिक समय से खांसी वाले मरीज आते हैं, उनको उन्हीं ग्राम स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के जरिए हम लोग DMC तक रेफर करते हैं, करवाते हैं, और उसमें से जो TB पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको ग्राम स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, अक्षय मित्र, डार्ट्स प्रोवाइडर और आशा के जरिए डार्ट्स से जोड़ा जाता है, और कोशिश की जाती है कि कोई भी टीबी मरीज मिस डोज और डिफाल्टर ना होने पाए और उनको पूरी तरह से क्योर किया जा सके। अक्षय द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में निवासियों के लिए निशुल्क जांच उपलब्ध कराई जाती है। इलाज कराने आए रोगियों को डॉक्टर उचित सलाह देते हैं। अक्षय ने बहुत बढ़िया काम किया है हमारे जिले में। इन्होंने हमारे कर्मचारियों के साथ, आशा बहुओं के साथ, NM के साथ, स्कूल में जो अध्यापकों के साथ और प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के साथ मिल करके जागरूकता अभियान चलाया, जिससे गांव में रूट लेवल तक, बेसिक जगह तक जो है कि इस बीमारी के बारे में प्रचार प्रसार किया, तमाम होर्डिंग लगाए, बैनर पोस्टर द्वारा भी प्रचार प्रसार किए, जिससे लोगों में जागरूकता फैली और उनको ये पता चला कि क्या मैं टीबी से ग्रसित हूँ कि नहीं हूँ, और उससे वो अपना जो है उस मैनेजमेंट की तरफ आगे बढ़े, जांच कराएं और ट्रीटमेंट ले रहे हैं। टीबी फोरम ये सुनिश्चित करता है कि टीबी के रोगियों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और उनकी मौजूदा समस्याओं का हल निकाला जा सके। ये टीबी के रोगियों और सेवा प्रदाताओं के मध्य एक कड़ी का काम करता है। जो समस्याएं विद्यमान थी उसके तहत ये कोशिश किया गया कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में जो DMC फंक्शन में नहीं है, अच्छे ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है, वो अच्छे से काम कर सकें और TB पेशेंट को सहूलियत मिल सके। ममता इंस्टीट्यूट के अद्भुत एवं सराहनीय योजनाओं के फलस्वरूप आज कईयों की जिंदगी प्रभावित हुई है। ये ममता इंस्टीट्यूट की कोशिशों का नतीजा है जो टीबी के अनेक मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते समाज एवं व्यवस्था आज टीबी मुक्त के अभियान पर केंद्रित रूप से अग्रसर है। ग्रामीण लोगों को अज्ञानता से जागरूकता की ओर ले जाने में ममता इंस्टीट्यूट सदैव तत्पर रहा है, ताकि जानकारी का अभाव किसी की मृत्यु का कारण न बन जाए। सुयोजित प्रयासों से आज ममता इंस्टीट्यूट सामाजिक प्रगति की राह बना रहा है। अपने उद्देश्य को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड
टीबी मुक्त भारत का स्वप्न एक दिन जरूर साकार कर दिखाएगा।